मैडम आपका परिचय क्या है? मैं डॉक्टर सरोज सिंह, राष्ट्रीय योगी सपोर्टर टीम की महिला प्रदेश महामंत्री हूँ। आज आप ये गौशाला एक निर्माण हुआ है, शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गिफ्ट किया गया है यूनिट द्वारा, तो आपको कैसा लगा ये गौशाला? ये बहुत ही अच्छा लगा। एक पूरी जनता को सिर्फ एक ही शिकायत है हमारे महाराज जी से कि गांव गांव में गाय जो जानवर आवारा जानवर परेशान कर रहे हैं, उसी के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया हुआ है। गांव गांव में जाकर प्राइवेट गौशाला बनवा रहे हैं जिससे हमारी जनता की ये शिकायत दूर हो जाए। ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का पहला गौशाला है शायद रायबरेली जिले में सताओ कस्बे में, ये पहला गौशाला है और इसको हम लोग जो है गिफ्ट कर रहे हैं हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी को। इसका जो भी खर्चा लगा है ये कौन बाहर? हमारी पूरी टीम मेंबर ने पूरा खर्चा किया है इसका, बाहर से किसी से कुछ अनुदान नहीं लिया गया है। अरे आओ सबसे पहले कहाँ पीछे खड़े हैं? देखिये हिंदू युवा वाहिनी के जो मुख्य संरक्षक हैं पूज्य महाराज जी, जो खुद गोरखनाथ मंदिर में लगभग 3000 गौ संरक्षण स्वयं कराते हैं और पूज्य महाराज जी की ही देखरेख में देवी पाटन मंदिर पर भी गौ संरक्षण का कार्यक्रम होता है। पूज्य महाराज जी की देखरेख में दिल्ली में त्यागी मठ में भी गौ संरक्षण का काम होता है। पूज्य महाराज जी के देखरेख में हरियाणा में भी उनका मठ है जहां गौ संरक्षण का काम होता है। दिल्ली में कटियासराय मंदिर है, गुरु गोरक्षनाथ कटियासराय मंदिर, वहाँ भी गौ संरक्षण का केंद्र काम होता है। कालका मठ में भी दिल्ली में गौ संरक्षण का काम होता है। ऐसे पूज्य महाराज जी पूरे देश में बड़े पैमाने पर और भारी भरकम पहला है। हाँ पहला है।